नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बॉलीवुड पंचनामा। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लेकर आई हूं ड्रीम गर्ल मूवी का रिव्यू। हमारे इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़े से ही समय में अपना नाम चमकाया है, जिनमें से एक का नाम है आयुष्मान खुराना। उन्होंने इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री की को टॉप सॉन्ग गर्ल फिल्में दी हैं। हाल ही में उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है जिसके निर्देशक राज शांडिल्य जी हैं। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल पूरी तरह से एंटरटेनिंग मूवी है और इसमें कॉमेडी का तो पूरा जबरदस्त छोक है। ड्रीम गर्ल की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग सभी बहुत ही सिंपल है और मजेदार भी हैं। फिल्म के वन लाइनर्स और मजाकिया सीन कमाल के हैं और आयुष्मान खुराना का पूजा अवतार तो फुल टू धमाल है। वेल, इस तरह राज शांडिल्य का डायरेक्शन और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग सोने पर सुहागे का काम कर रही है। ड्रीम गर्ल की कहानी करमवीर सिंह यानी आयुष्मान खुराना की है। आयुष्मान खुराना रामलीला में सीता का किरदार निभाते नजर आए हैं और उनके पिता अन्नु कपूर पर लोन का बोझ है। रणवीर का दोस्त है स्माइली यानी मनजोत सिंह। एक दिन अचानक करमवीर को एक एड दिखता है और वह नौकरी के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ करमवीर को मजबूरन पूजा बनना पड़ता है और पूजा उस गुप्त फ्रेंडशिप कॉल सेंटर की जान बन जाती है। पूजा के आशिकों की तादाद बढ़ती ही जाती है और यही परेशानी भी शुरू होती है। करमवीर की मुलाकात माही यानी नुसरत भरूचा से होती है और झट मुलाकात तो पट इश्क हो जाता है। वहीं पूजा के प्रेमियों की लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है, जिसमें माही का भाई महिंदर, शायर पुलिस वाला, एडिटर रोमा, देसी जस्टिन बीबर, टोटो और करमवीर के पिता जगजीत शामिल हो चुके होते हैं। इसके बाद शुरू होती है मजेदार कॉमेडी। हालांकि आखिर आते आते फिल्म थोड़ी खींचने लगती है, लेकिन कॉमेडी की डोज को पिरोकर बहुत ही सयानापन दिखाया गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस तेजी से करम और माही को इश्क होता है, उतनी ही तेजी से फिल्म का अंत भी हो जाता है। ड्रीम गर्ल में हर एक्टर ने बहुत ही कमाल एक्टिंग की है। फिल्म की जान कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग है। आयुष्मान खुराना तो हर फिल्म के साथ सरप्राइज करते हैं। आयुष्मान खुराना करमवीर से लेकर पूजा तक के सफर में खूब जमे है और मनजीत सिंह ने स्माइली बनकर सबके चेहरे पर खूब मुस्कान बिखेरी है। नुसरत भरूचा ने भी माही का रोल बढ़िया ढंग से निभाया है। अनु कपूर और विजय राज तो कमाल के एक्टर हैं। अनु कपूर ने आयुष्मान के पिता और पूजा के आशिक के रोल में भी जान डाल दी है और फिल्म में उनसे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सरप्राइज भी है। उधर विजय राज ने पुलिसिया शायर का जो रोल किया है वो तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत मजा भी दिलाता है। इस तरह फिल्म एक्टिंग के मामले में खूब रीच है। अब वक्त आ गया है विदा लेने का। अब यह देखना होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग जमा पाती है या नहीं। अगली बार फिर लौटेंगे किसी नई फिल्म की बातों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।